अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप यू आर डूइंग वेल। सो आज मैं आप लोगों के साथ ट्राउज़र का एक और स्टाइलिश डिज़ाइन शेयर करूँगी। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हम ट्राउज़र की लेंथ 5.5 इंच कम रखेंगे। सबसे पहले ये मैंने पेपर लिया है, पेपर को हम इस तरह से डबल करके इस पर मार्क करेंगे। इस साइड पर हम 1.5 इंच पर मार्क करेंगे, इसी तरह से इस साइड भी 1.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। यहाँ मार्क करने के बाद लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इस लाइन के ऊपर ही हम 3.5 इंच पर मार्क करेंगे। सेम इसी तरह से इस साइड भी हमें 3.5 इंच पर मार्क करना है और यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे। अब पेपर को हम कट कर देंगे। पेपर को कट करने के बाद इसको हम डबल करेंगे। ये देखें, चाहें तो इसके सेंटर में यहाँ पर मार्क कर लें। अब पेपर को डबल करके यहाँ पर हम लाइन ड्रॉ करेंगे। इस कॉर्नर से लेकर नीचे वाले कॉर्नर तक हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे और एक लाइन हम 1/2 इंच के गैप पर ड्रॉ करेंगे इस तरह से। अब पेपर को कट कर लेंगे। ऐसे मैंने पेपर को कट कर लिया है। सेम इसी तरह से मैंने इसको हार्ड पेपर पर भी कट किया है। अब हार्ड पेपर को बुकरम के ऊपर रखकर हम बुकरम पर मार्क कर लेंगे। ये देखें, यहाँ पर मैंने बुकरम को कट करके फैब्रिक पर पेस्ट कर लिया है और साइड से फैब्रिक को इस तरह से मैंने प्रेस कर लिया है। अब इसके बाद ये मैंने टिशू लिया है। इस टिशू की लेंथ इस तरह से 6 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा है और इस टिशू को पेपर के ऊपर रखकर हम चारों साइड से स्टिच कर लेंगे। तीन साइड से मैंने टिशू को स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद अब इसको हम ये देखें ऐसे फोल्ड करेंगे। डबल करके इसके सेंटर में हम मार्क करेंगे। अब यहाँ पर हम मार्क कर लेंगे इस तरह से सेंटर में। इस तरह के स्क्वायर्स मैंने काफ़ी सारे रेडी किए हैं, एक स्किन कलर के और एक इसके कंट्रास्ट के ब्लैक कलर के, मैंने दो कलर में रेडी किए हैं। अब ये जो स्किन कलर वाले हैं इनको मैंने सेंटर में इस तरह से रखा है और ये जो ब्लैक कलर वाले हैं इनको इनके बराबर यहाँ पर रखेंगे। इस तरह से हमने इनको स्टिच करना है। पहले हम इनको इसके नीचे UHU या ग्लू लगाकर इनको हम टिश्यू के ऊपर पेस्ट करेंगे, बाद में हम स्टिच करेंगे ताकि ये इसके साथ फिक्स हो जाए। ये देखिए, इस तरह से मैंने इनको पेस्ट कर लिया है। अब इस ऊपर वाले को पेस्ट करेंगे। सेम इसी तरह से हमने पहले इनको पेस्ट करना है और फिर बाद में हम इनको स्टिच करेंगे। यहाँ पर देखें, मैंने सबको पेस्ट कर लिया है। अब इसके बाद हम यहाँ से स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। ऐसे हम इनको स्टिच करेंगे। एक को मैंने स्टिच कर लिया है, अब इस दूसरे वाले को स्टिच करेंगे। जिस तरह से मैंने इन दोनों को स्टिच किया है, सेम इसी तरह से हम बाकी सबको भी स्टिच कर लेंगे। और यहाँ पर देखें, मैंने सबको स्टिच कर लिया है। अब इनको स्टिच करने के बाद ये मैंने ब्लैक कलर का फैब्रिक लिया है, तकरीबन 1.5 इंच चौड़ा। इस फैब्रिक को इस तरह से एक साइड से फोल्ड करके यहाँ पर स्टिच कर देंगे। इसको स्टिच करने के बाद अब नीचे से हम यहाँ से इस पेपर को उतार देंगे। पहले हम इस पेपर को कट करेंगे यहाँ से। इसके साथ इस पेपर को भी हमने उतार देना है। ये देखें,
अब इस पट्टी के ऊपर ये मैंने स्किन कलर की पट्टी ली है, इसकी विड्थ इस तरह से है, 2 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा है। अब इस पट्टी को हम नीचे रखकर यहाँ पर स्टिच करेंगे। अब स्किन कलर वाली पट्टी को हम ऊपर की साइड पर ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ से स्टिच कर देंगे। ऐसे मैंने दोनों पट्टियों को स्टिच कर लिया है। अब इसकी जो रेडी लेंथ है वो है 6 इंच। मैंने कॉर्नर से हिसाब लगाया है, ऊपर से मैंने सिलाई के लिए मार्जिन छोड़ दिया है। अब ये मैंने अपना ट्राउज़र लिया है, पैंचे के साथ हम इस अपने डिज़ाइन को इस तरह से स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद अब इसको खोलेंगे और यहाँ पर हम टॉप स्टिच लगा देंगे। टॉप स्टिच लगाने के बाद नीचे से हम इस पेपर को उतार देंगे। और ये लास्ट में देखें, मैंने पेपर को उतार दिया है और ये मेरा ट्राउज़र का डिज़ाइन बिल्कुल रेडी हो चुका है। ऐसा सेम डिज़ाइन आप लोग अपनी स्लीव पर और दामन पर भी बना सकते हैं। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।